हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे पूरी उम्मीद है। देखो, आज की वीडियो में बात करेंगे हम एनटीए नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट जूनियर असिस्टेंट के बारे में, जिसमें मैं आपको कट ऑफ के बारे में बताना चाहूँगा और रिजल्ट को लेकर और आपके आंसर की आपको कब तक देखने को मिल सकती है। तो उसी के रिगार्ड में आपको थोड़ा अपडेट दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें आपके एग्जाम का पैटर्न था जीके, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और आपके टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, जिसके क्वेश्चन थे। तो लगभग हर सब्जेक्ट में आपके लगभग 50-50 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो यानी कि 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर था, एक क्वेश्चन एक नंबर का था। तो अभी लगभग देखो, अगर आपने जीके में लगभग आपने 25 से 31 क्वेश्चन किए हैं तो आप लगभग एकदम सेफ है। देखो, 25 से 31 क्वेश्चन आपने किए तो लगभग एकदम सेफ है। और रीजनिंग में आपने लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपने किए तो आप एकदम सेफ है। ज़्यादातर लगभग आपको 40 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। और आपके मैथ में आपके लगभग 36 के आसपास आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। और आपके लास्ट में इंग्लिश या हिंदी में आपके लगभग 40-45 के आसपास आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको इसी के रिगार्डिंग आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। देख सकते हैं 142 से 163 के आसपास ये लगभग आंकड़ा आ रहे हैं। तो इसी के लगभग अगर आपके स्कोर है यूआर कैटेगरी का तो बिल्कुल आप सिलेक्शन के करीब है। तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको यूआर कैटेगरी कट ऑफ आपको लगभग 155 के ऊपर ही आपको यूआर कैटेगरी की कट ऑफ देखने को मिलेगी। और ओबीसी के आपको लगभग 150 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस के आपको लगभग 41-47 के आसपास, और एससी की कट ऑफ आपको 143 के आसपास, और एसटी की कट ऑफ आपको 137 के आसपास आपको सारी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और आंसर की बात करें तो आंसर की भी आपको लगभग जल्द यानी कि इस महीने के एंड में या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपको आंसर की देखने को मिल सकती है। और रिजल्ट भी आपको लगभग महीने के एंड में देखने की संभावना बन सकती है। लगभग एक महीने के बाद आपको लगभग रिजल्ट आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो ये पूरी अपडेट आपको कैसे लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। और कोई आपके मन में डाउट है तो मुझे जरूर पूछे, तो मैं उसके बारे में आपको कमेंट में बता दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।